ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि यह पहली ऐसी सरकार है जिस पर 4 सालों में भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। पीएम मोदी का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम एक दिन की छुट्टी लिए बिना देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचकर योजनाएं बना रहे हैं और उस पर सरकार अमल कर रही है। इस दौरान उन्होंने सवाल खड़े करने हुए कांग्रेस पर हमला भी बोला है। प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस का आंदोलन बताया। इसमें कहा कि एक भी किसान शामिल नहीं है। कभी कल्पना नहीं की होगी गरीब ने कि कोई प्रधानमंत्री शौचालय बनवाने के लिए इतनी दूर तक जाएगा, सफाई अभियान चलाने के लिए इतनी लंबी मॉनिटरिंग पीएमओ करता होगा। मैं बार बार दतिया का उल्लेख नहीं कर रहा, उसको मत जोड़ना, लेकिन हिंदुस्तान में नंबर वन है प्रधानमंत्री आवास में। आम चुनाव में अंतर मान, अगर मैं यही कह लूँ कि आम चुनाव हारते ही क्यों चले जा रहे हैं वो, 21 प्रांतों में हट गए हैं, 21 प्रांतों में हट गए, और इसको हार मत कह मेरे भाई कि जहाँ 10-15 दल 18 दल मिल जाए तो थोड़ा सा कभी कभी चूक हो जाती है, धैर्य रख। आम चुनाव महंगाई की जितनी चीजें थी उन पर पूर्णतः कंट्रोल कर लिया है। जब आए थे तब इसी तरह के सवाल दालों के बारे में आप कर रहे थे कि 160 रुपये है, 180 रुपये, 140 रुपये, आज 60-70-80 के बीच में सारी दालें आ रही। ये वो प्रधानमंत्री है जो 4 साल में एक भी छुट्टी पे नहीं गया, एक दिन की पे। सामने जो दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक चुनाव निबटता है और छुट्टी मनाने चला जाता है। ये देश की नहीं जाता, ये देश की चिंता है। ये दिवाली भी बॉर्डर पे ही मनाते हैं, ये लगाव होता है स्वाभाविक रूप से। इनका देश से है, उनका विदेश से है, बस इतना ही सा अंतर है इनकी सोच में भी और वास्तविकता में भी और धरातल पर भी। किसान आंदोलन नहीं कर रहे, ये कांग्रेस आंदोलन को पीछे से शह देने की कोशिश कर रही है।